प्रयागराज में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। वहीं अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे अली अहमद समेत तीन के खिलाफ पूरा मुफ्ते पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमले और रंगदारी मांगने के मुकदमे में फरार सात अन्य आरोपियों के खिलाफ विवेचना चल रही है। उसमें असाद, इमरान उर्फ गुड्डू, आरिफ उर्फ कछोली, गोलू फैजल और उसके भाई मैसर और एक अज्ञात शामिल है। वही अतीक अहमद के रिश्तेदार जिशान की ने आरोप लगाया था कि 26 जुलाई को वह मंदिर स्थित जमीन देखने गया था, तभी गाड़ी से कुछ लोग पहुंचे। इनमें से एक ने चेहरे पर मास्क लगाया था, जिसके ललकारने पर गाड़ी में बैठे अन्य लोगों ने उसे मारने के लिए हमला बोल दिया। वह जान बचाने के लिए भागा तो पिस्टल से फायरिंग की, जिसमें वह बाल बाल बच गया। जिशान की शिकायत पर पूरा मुफ्ती पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया था और इसी मुकदमे के बाद अतीक अहमद का छोटा बेटा 50,000 इनामी अली अहमद ने कोर्ट में सरेंडर किया था। पुलिस ने जांच के बाद जेल में बंद अली और पूर्व सांसद अतीक का वारंट बनवाया। जांच के बाद अब अतीक अली और अमन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। इस मुकदमे में नामजद आरोपियों ने कोर्ट की शरण ली है, जिसकी जाँच चल रही है।